नमस्कार, मैं हूं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब से सत्ता की बागडोर संभाली है, छात्राओं के उत्थान के साथ साथ महिलाओं के लिए भी कई अहम कदम उठाए हैं। इन्हीं महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है मुख्यमंत्री पोशाक योजना। इस योजना के तहत बिहार सरकार बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं को पोशाक मुहैया करवाती आई है। बिहार सरकार के नए नियम के अनुसार मुख्यमंत्री पोशाक योजना, मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, मुख्यमंत्री बालक पोशाक योजना और बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना के तहत सरकार पहली कक्षा से लेकर 12वीं तक पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को जीविका दीदी के माध्यम से बनाए गए ड्रेस मुहैया करवाएगी। इस बाबत सरकार ने फैसला किया है कि चरणबद्ध तरीके से जीविका दीदी की तरफ से बनाए गए ड्रेस किसी छात्र छात्राओं को दिए जाएंगे। पहले चरण में 2 सेट सिले हुए पोशाक खरीदने की अनुमति सरकार ने दे दी है। हालांकि यह नियम इस साल बदले हैं। इससे पहले बिहार सरकार मुख्यमंत्री पोशाक योजना के तहत पहली से दूसरी कक्षा की छात्राओं की राशि को 400 से बढ़ाकर 600 रुपए किया गया था। तीसरे से पांचवी कक्षा के लिए पोशाक राशि 500 से 700 किया गया। वहीं छठी से आठवीं कक्षा के लिए 600 से बढ़ाकर 800 रुपए तक और बिहार शताब्दी पोशाक योजना अंतर्गत 1000 रुपए से बढ़ाकर राशि को 1500 रुपए तक कर दिया गया। उस राशि से बच्चे सिले हुए पोशाक जीविका समूह अथवा उद्यमिता विकास से संबंधित क्लस्टर से खरीदेंगे। पहले वो बाजार से इसकी खरीदारी करते थे। राज्य सरकार के इस फैसले से स्थानीय उत्पादक कंपनी के साथ साथ जीविका से जुड़े महिलाओं के आय में बढ़ोतरी होगी। ज्ञात हो सरकार अपनी योजनाओं में जीविका दीदियों की सहभागिता को बढ़ावा देने की योजना के साथ काम कर रही है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री पोशाक योजना के तहत अब जीविका दीदियों को भी इससे जोड़ दिया गया है। इसके साथ ही इस योजना के अंतर्गत आने वाले छात्रों के लिए 75% की अनिवार्यता को भी खत्म कर दिया गया, यानी कि सभी छात्रों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। ज्ञात हो आंगनबाड़ी बच्चों के लिए पोशाक योजना। मुख्यमंत्री पोशाक योजना का उद्देश्य आंगनबाड़ी केंद्रों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन के रूप में बच्चों को वर्दी प्रदान करके एकीकृत बाल विकास योजनाओं के प्रारंभिक बचपन शिक्षा घटक को मजबूत करना है। यह योजना इन वर्दी के माध्यम से बच्चों में पहचान, सद्भाव और एकता की भावना पैदा करने का भी प्रयास कर दी है, जिसके तहत अब इस योजना के लाभुक छात्र medhasoft.bih.nic.in पर जाकर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करें। यहां आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, जहां जाकर आप पेमेंट स्टेटस पर जिला, ब्लॉक, स्कूल, क्लास, अकाउंट नंबर डालते ही आपके सामने एडमिशन नंबर के साथ छात्रों की सारी जानकारी खुलकर आ जाएगी, जहां से सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र आसानी से अपने अकाउंट में राशि भेजी गई है या नहीं इसको चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपके अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पोशाक योजना का लाभ छात्राओं को मिल रहा है या नहीं, अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।